जी, दलित समाज के लोगों पर हमला हुआ है, जो समाज का बहुत कमजोर तबका है। जब मैंने थाना फोन किया तो वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई गोली नहीं चली है, हवाई फायरिंग हुई, लेकिन लगने की कोई सूचना नहीं है। थाना कब तक ये भी पता नहीं है कि गोली लगी कि नहीं लगी। पता है कि जिन लोगों ने संविधान की बात करते थे, अधिकार की बात करते थे, अब फीता काटने में मारामारी हो रहा है कि हम आगे फीता काटे कि कौन काटे। गोलियां चला करके पढ़ने वाले बच्चों को एक दहशत के, ये सरकार का कोई डर भय नहीं है, पुलिस प्रशासन का कोई डर भय नहीं है, लेकिन आप अपने कुर्सी में मदमस्त है। बिहार की जनता त्रस्त है। अगर उनको यही जनता राज है कि आए दिन गोलियां चल रही है, माफिया खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। राजधानी पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में अंबेदकर छात्रवार के पास कल 3 छात्रों को बेरहमी तरीके से गोली मारी गई और कल देर रात 12 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। सुशील कुमार मोदी पहुंचे हैं PMCH में उन तमाम छात्रों से मिलने के लिए। क्या है सर, आखिर ये किस तरीके से छात्र भी अब सेफ नहीं है? नहीं देखिए, अभी भी खबर मिली थी, मेरे साथ माननीय पूर्व मंत्री श्री जनक राम जी हैं, हमारे पार्टी के नेता श्री अजीत जी हैं, तो वही सूचना मिली थी हम लोगों को कि महेंद्र कल्याण छात्रावास में जो अनुसूचित जाति के छात्रों का छात्रावास है, वहाँ पर कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ और उसमें अपराधियों ने गोली चला दी, जिसमें एक मरीज जिसको अभी देखा हम लोगों ने, उसके गर्दन में गोली फंसी हुई है। 2 और लड़के घायल हैं जिनको भी गोली लगी है, और भी कई लोग घायल हैं। तो ये तो बिहार की राजधानी पटना के हृदय क्षेत्र में महेंद्र इलाके में ये घटना घटी है, और अभी दलित समाज के लोगों पर हमला हुआ है। तो जो समाज का बहुत कमज़ोर तबका है, उस तबके के ऊपर हमला करने की किसी ने हिम्मत की है? और जब मैंने थाना फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई गोली नहीं चली है। सर, महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर। नहीं, मैंने थाना जब फ़ोन किया तो कह रहे हैं कि हवाई फायरिंग हुई, लेकिन लगने की कोई सूचना नहीं है। तो जब मैंने जनक जी को फ़ोन किया तो बोले कि नहीं, गोली लगी है। तो थाना कब तक ये भी पता नहीं है कि गोली लगी कि नहीं लगी। तो खैर, अविलंब अपराधी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और SC ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा जो है ये दर्ज किया जाना चाहिए, और जो बेहतर से बेहतर सुविधा हो चिकित्सा, वो उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। सर, छात्र डर रहे हैं वहाँ रहने से, नहीं इसीलिए वहाँ पर सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और अविलंब अपराधी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बिहार के तमाम जिले में, वो शहर हो, गांव हो, ग्रामीण हो, हर जगह लोगों के अंदर भय है। आप देख रहे हैं कि शहर के अंदर पटना जो मुख्यालय है, दबे कुचले वंचित समाज को जो पढ़ने का परम जी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा अधिकार जो मिला है, वहाँ भी इस तरह का कुकृत्य किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने संविधान की बात करते थे, अधिकार की बात करते थे, उन लोगों ने अब फीता काटने में मारामारी हो रहा है कि हम आगे फीता काटे कि कौन काटे। लेकिन पटना के धरती पर जिस तरह से शोषित पीड़ित और अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास में गोलियां चला करके पढ़ने वाले बच्चों को एक दहशत के कायम किया गया है, तो मुझे लगता है कि ये सरकार का कोई डर भय नहीं है, पुलिस प्रशासन का कोई डर भय नहीं है। गरीब हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वो बड़े व्यापारी हो, छोटे व्यापारी हो, किसान हो, छात्र हो, छात्रा हो, सबको अब डर व्याप्त है कि अब कैसे हम लोग बाहर निकल सकते हैं, कैसे छात्रावास में पढ़ सकते हैं, और कानून का कोई डर भय नहीं है। अपराधी खुल्लम खुल्ला जो है कि घूम रहा है, जब चाहे, जिसके ऊपर चाहे, जहाँ चाहे, दिन हो रात हो, गोली चलाने की उसकी हिम्मत हौसला बढ़ गई है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ कि आप तो संविधान की हवाला देते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की हवाला देते हैं, लेकिन आप अपने कुर्सी में मदमस्त है, बिहार की जनता त्रस्त है, एक दलित परिवार के लोगों के साथ छात्रावास कल्याण में इस तरह से आए दिन घटनाएं घट रही है, ये बहुत शर्मनाक है। बड़े जल्दी और तत्परता से FIR भी होना चाहिए और SC ST का एक्ट लगा करके अपराधियों को गिरफ्तार करके जल्दी से जल्दी उसको सजाए के सलाखों में डालना चाहिए। सर, वहाँ पर कहना है छात्रों का कि शराब माफियाओं का वहाँ पर धौस काफ़ी चलता है और उन्हीं के द्वारा ये कांड किया गया। ये शराब माफिया हो और वाली माफिया, आप देख रहे हैं कि ये सरकार जैसे वापस आई है, ये खुल्लम खुल्ला छूट हो गया है। सरकार का नियंत्रण ये बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, इनके ऊपर नहीं है। अपराधी खुल्लम खुल्ला हो चुके हैं। ये जनता में डर है, भय है, व्याप्त है, उस चीज़ की चिंता हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है कि जनता में जो दहशत है और डर है, भय है, कानून अपना काम नहीं कर पा रही है, कानून अच्छा काम करे। यही तो मैं बार बार मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि आप जब NDA के साथ थे तो सुशासन बाबू कहलाते थे, लेकिन जब से आपने NDA के साथ छोड़ा है तो आप देख रहे हैं कि बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है कि दिन हो रात हो तमाम तरफ गोलियाँ चल रही है, लोगों की हत्याएं की जा रही है, कोई किसी के सुरक्षा की गारंटी नहीं है। तो ये चिंता का विषय है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं सर कि जनता राज है, जंगल राज।
ये तो आप लोग भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। अगर उनको यही जनता राज है कि आए दिन गोलियां चल रही है, माफिया खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, मंत्री खुल्लम जिसके ऊपर FIR और जिसके जेल के सलाखों में रहना चाहिए, इनकी सरकार के जितने मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सब के सब भ्रष्ट है, कानून के तहत हो जेल के सलाखों में होना चाहिए, वो लोग बाहर घूम रहे हैं, उसी को जनता राज अगर मुख्यमंत्री कहते हैं तो उनके लिए सद्बुद्धि ईश्वर दे। तो ये साफ तौर से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम पहुंचे थे PMCH उन तमाम छात्रों से मिलने के लिए, और अब खबर ये आ रही है कि अब उन्हें IGIMS में रेफर कर दिया गया है। आपको बताएं कि जिस तरीके से राजधानी पटना में कल देर रात सुल्तानगंज थाना अंतर्गत ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 3 छात्र बेरहमी तरीके से घायल हो चुके हैं, और अब सुशील कुमार मोदी यानी सांसद सुशील कुमार मोदी पहुंचे थे PMCH, और साथ ही साथ उनके साथ जनक राम भी पहुंचे थे, जिन्होंने साफ साफ नीतीश सरकार से ये मांग कर दी है कि अब उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, CCTV फुटेज को खंगालना चाहिए, और SC ST एक्ट के तहत उन तमाम अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। फीता काटने से कुछ भी नहीं होगा। पहले खबरें बस बताइए, अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। सहयोगी गुड्डू के साथ रोहित वर्मा, लाइव स्ट्रीम पटना।